welcome to another part of voice over internet protocol uh, in this part of the session we'll discuss about uh, different protocols that we have uh, that we were discussing earlier and we'll discuss about voip systems how they work and how they communicate so here you see there is a voip system here is the voice source it is एंड कोडेड बाई सम सिस्टम एंड नाव इट इज़ देअ ऑन दिस्टम ऑन द कम्प्यूटर नेटवर्क ना ह्योर वी हैव क्रिएटेड सम कम्युनिकेसन चैनल हमने इंटरनेट uh, या नेटवर्किंग के जो भी मेथड्स होते हैं उनके हेल्प से कुछ कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट किए और ये हमने डेस्टिनेशन तक भेज दिया यहाँ तक पहुँचने के बाद यह आपका डिस्प्ले टर्मिनल या एंड यूजर डिवाइस के पास पहुँचा और यहाँ से ये यूज़र को पहुंचा दिया गया सो इन दिस वे यूज़र वन इज़ कम्युनिकेटिंग विथ यूज़र टू ना वॉइस ओवर आईपी सिस्टम की बात करें तो एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम

sending data from one node to other node is called propag uh, propagation then comes the processing delay processing delay kya cheez hai ki network layer pe bar bar packets ek jagah se dusri jagah transfer ho rahe hain theek hai इस दौरान जितनी बार नेटवर्क लेयर का पैकेट रीड किया जाता है उतनी बार उसे अंडरस्टैंड किया जाता है फिर पहचान करके फिर से उसे retransmit किया जाता है This is pro uh, processing delay.

री सिंक्रोनाइजेशन डीले डिकम्पोजिशन डिले एंड प्रेजेंटेशन डिले। डिकम्पोजिशन डिले क्या है इट इज़ अबाउट डिकम्पोजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर पैकेट आपके पैकेट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे uh, कुछ पार्ट उसका डेटा है कुछ आपने सिंक्रोनाइजेशन के लिए भेजा है कुछ अपने किसी खास तरीके के पर्पज से भेजा है सो so, उनको पार्ट वाइज अलग करना इज़ डिकम्पोजिशन ठीक है देन प्रेजेंटेशन डिले इज़ द डिले दैट इज़ टेकन टू रिकन्वर्ट योर वॉइस इंटू अ वॉइस ठीक है जो वॉइस सेंडर ने सेंड की थी उसको एक्चुअल में वॉइस में कन्वर्ट करना है या जो इमेज उसने भेजी थी वो एक्चुअल में इमेज में कन्वर्ट हो इसके लिए जो टाइम लगता है दैट इज़ प्रेजेंटेशन डिले Now, if we uh, just have a one small look at this, you can find here. If you are using some telephone line, some analog system, then uh, some delays are not there. Although there is a lot much uh, lot much noise, but uh, delay is not there. Okay, and. Uh, If we understand, uh, if we look at this, here you find system D को communicate करना था A से तो यहाँ से A, uh, D से C communicate हुआ C से B, B, B से है. so there are some systems coming in between. जितनी बार इनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन हुआ वहाँ तो टाइम लगा ही इसके बाद कुछ देर इसने अपने पास रोका भी होगा उस डेटा को समझा भी होगा और वापस उसे रिथ्रो किया होगा कुछ इसमें टाइम लगा सो दिस मेक्स अ लॉट मच डिले नाउ इफ यू लुक ऑन टू द लॉस पार्ट लॉस क्या होता है कि इफ़ आई वांट टू सेंड समथिंग टू सम डेस्टिनेशन वाइल सेंडिंग वी डिफाइन सम टाइम टू लिव ऑफ द मैसेज तो हमने जो भी अपनी तरफ से टाइम टू लिव डिफाइन किया अगर वो उतनी देर में डिलीवर हो जाता है देन इट इज़ ओके बट टाइम टू लिव अगर पार हो जाता है सपोज इन दैट केस इट विल नॉट बी डिलीवर्ड ठीक है सो किसी केस में अगर सपोज़ आपका पैकेट डिलीवर नहीं होता है तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ पैकेट लॉस दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है इफ़ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ स्पीड सो देर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉटल नेक आपको नेटवर्क में स्पीड वही मिलती है जो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में सबसे छोटी स्पीड हो ठीक है एंड दैट एरिया इज कॉल्ड बॉटल नेक समाइम्स मान लीजिए आपकी अपने यहाँ बेनविट कम है देन यू विल गेट दैनविट दैट वॉट एवर यू हैव ऑप्टेड कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे लेके आपकी भी बेनविट अच्छी है और सोर्स की भी बेनिट अच्छी है सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर एट सेम बिट लेवल बट देर इज वन बॉटल नेक इन बिटवीन एक बीच में कम्युनिकेशन चैनल ऐसा है जो कि बहुत कम बेनविट uh, का है तो जो बेनिट आपको डेस्टिनेशन पर मिलेगी वो कम वाली मिलेगी यू विल नेवर गेट एनी बेनिफिट्स विच इज़ ग्रेटर देन दिस ना इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग क्या है हम uh, एक सीक्वेंस में बहुत सारे पैकेट्स भेज रहे हैं जो कि किसी न किसी इमेज या वीडियो को या किसी तरीके के ऑडियो को डिफाइन करते हैं ठीक है अगर हम बात करें वॉइस की तो वॉइस के लिए हमको जो स्पीड रिक्वायर्ड है दैट इज़ सिक्सटी फोर के बी पी एस अगर हम इसमें कोडिंग uh, का तरीका थोड़ा बहुत चेंज करते हैं तो विद दैट वी कैन रिड्यूस इट अप टू सम लेवल एंड वॉइस पैकेट कैन बी रिड्यूस्ड अप फाइव हंड्रेड थर्टी फोर बाइट्स पर सेकेंड सो इट्स अ वेरी ह्यूज काउंट फिर भी आ, इसका साइज बहुत बड़ा होता है इफ़ वी टॉक अबाउट वीडियो देन इन केस ऑफ वीडियो वी रिक्वायर थ्री थिंग्स आइडर वी कैन हैव ह्यू सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस और वी कैन हैव रेड ग्रीन एंड ब्लू ठीक है दो तरीके से हम कलर की कोडिंग करते हैं या तो आर या ह्यू सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस ठीक है सो इन इन एनी ऑफ दिज केसेस वी रिक्वायर थ्री बाइट्स पर पिक्सल एट एवरी टाइम सो यहाँ भी स्पीड हमको हाई चाहिए बट हम करते क्या हैं हम फर्स्ट वीडियो के इमेज को तो डिफाइन करते हैं और उसके बाद फिर हम चेंजेस एक्सप्लेन uh, करते हैं दैट देयर इज़ दिस चेंज देयर इज़ दिस चेंज लाइक दैट फ यू टॉक अबाउट कोड द सिग्नल रिडक्शन टेक्निक्स तो यहाँ पे हम कंप्रेशन की कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं जैसे हफमैन कोडिंग इज देयर, दैट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द वीडियो साइज अप टू अ लार्ज एक्सटेंट इसके अलावा हम ऑडियो uh, uh, और वीडियो वीडियो दोनों को अलग अलग भेजते हैं बिकॉज इट इज़ ई ईजियर टू बेसिकली रिड्यूज़ द साइज ऑफ़ वीडियो बट दोनों को मिक्स कर दें तो फिर इनका साइज रिड्यूज़ करना मुश्किल हो जाता है देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइस फैक्टर्स लाइक वी कैन हैव राउटर्स फायर वॉल्स नैट्स वी कैन हैव मोडम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इशूज़ आर देर सो so, इनको भी हमें ध्यान में रखना होता है कि ऑन टू वाट ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑन टू वाट प्रोसेसर एंड मेमोरी इट विल वर्क देन कम्स द नेटवर्क फीचर दैट इज डिले जिटर लॉसेस एंड बैंडविड्थ वॉइस ओवर सिस्टम वॉइस ओवर आईपी सिस्टम का अगर हमें परफॉर्मेंस मेजर करना हो तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ ये मेज़र करते हैं कि किसी भी वी वी ओ वी वी ओ आई पी सिस्टम के अंदर रियल uh, टाइम uh, जो आप कम्युनिकेशन uh, दे रहे हैं वो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट यू कैन प्रोवाइड इसके अलावा द सेकेंड थिंग दैट वी कैन प्रोवाइड इज़ बेसिक वी कैन चेक इज़ बेसिकली द नीड ऑब्जेक्टिव टेक्निक इसके अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमने डेटा uh, सेंड किया हुआ है क्या एग्जैक्टली सेम टाइम में रियल टाइम में वो डेटा पहुंच रहा है या वो आगे पीछे पहुंच रहा है ठीक है इसमें बेसिकली uh, हम uh, कोई भी डेटा जो सेंड करते हैं उसको अपने पास भी एक कॉपी उसकी रिसीव करके चेक किया जाता है दैट वेदर इट इज़ रिसीव्ड करेक्टली और नॉट नाउ

वेयर a मल्टीपल यूज़र कनेक्ट्स ठीक है यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ने जा, लग जाते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होने लग जाता है ठीक है हमने क्या किया हमने अलग अलग साइट्स पे अलग अलग एम सी यूज़ इस्टेब्लिश कर लिए और इनके बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए हमने गेटवेज़ या फायर इस्तेमाल कर ली कि इन, इनके हेल्प से इनको आपस में कनेक्ट किया जा सकता है So, if some user is there at site A and some user is there at site C, they can communicate easily. If uh, uh, one user from site C is communicating with the user at site C only, then uh, they communicate with, the, uh, with their own uh, MCU. They will not affect the communication between this line or this line. ठीक है इससे बेनिफिट क्या होता है कि जहाँ तक हो सकता है हम सारे कम्युनिकेशन जो है अपने लैन के हेल्प से करते हैं बट जहाँ पे लैन से कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे हम वैन को इन्वॉल्व करते हैं ना क्यू एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हेयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्ट्रीमिंग क्यू स्ट्रीमिंग क्यू क्या होता है यहाँ पे हमारे पास आ, क्या कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कुछ इस तरीके की है कि हमारा डेटा जो है वो स्ट्रीमिंग मोड में जा रहा है एट एवरी टाइम आई गेट सम पैकेट ठीक है और जो इस समय एक्टिविटी हो रही है उसको मैं अभी राइट right नाउ देख पा रहा हूँ ठीक है देर इज़ इंट्रैक्शन क्यू इसमें क्या होता है एंड यूज़र को जो है कुछ एफर्ट करना होता है अपनी तरफ से कुछ रेस्पॉन्स देने होते हैं उसके बाद उसको उसी हिसाब से सिग्नल्स दिए जाते हैं समटाइम्स लाइन नॉइज़ी होती है तो हम क्या करते हैं कि बार बार सिग्नल हैंग अप हो जाता है तो उसे रिकनेक्ट करवाना पड़ता है या कभी कभी हमें जो है कुछ मैसेजेस को बार बार रिपीट करवाना पड़ता है कि इसको दोबारा बोल दो क्यू uh, को अगर हम मीन uh, टर्म्स में अगर बात करें तो एंड uh, यूज़र uh, अगर uh, क्या कहते हैं आपकी एम की वैल्यू दैट इज़ मीन ऑप्शन स्कोर की वैल्यू अगर uh, 5.0 है दैट मींस वी एज्यूम दैट वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर इज़ देयर देन इसके बाद जैसे जैसे नीचे हम बढ़ते जाते हैं जैसे 4 फोर uh, हो गया तो यूज़र जो है वो थोड़ा बहुत डिससेटिस्फाइड है ठीक है ये थ्री से नीचे गया तो काफ़ी कुछ डिससेटिस्फाइड है टू से नीचे गया तो यूज़र कहेगा यार छोड़ो फिर मैं दूसरा ही रास्ता देख लेता हूँ सो वॉट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू कीप इट एट लेवल फोर और एबव ओके ना इफ़ वी टॉक अबाउट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स दैन वी हैव टू मॉडल्स है देर इज़ आई टी यू टी का आई टी यू टी ई मॉडल ई मॉडल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास uh, औ, uh, क्या कहते हैं कि इसमें uh, बने बनाए कुछ कंपोनेंट्स uh, होते हैं जिनको कि हम इस्तेमाल करके डायरेक्टली वी वाई पी सेटअप रख सकते हैं ठीक है इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम जो भी हम एड्रेसेस देते हैं ऑल द एड्रेसेस आर दे आर इन द टर्म्स ऑफ वी वी आर ट्रैफिक ठीक है इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकेंड स्टैंडर्ड दैट इज आई टी यू टी जे वन डबल फोर डेवलप वी वी ओ आई पी स्टैंडर्ड इसकी बात करें तो ये पी एस एन आर बेस्ड मॉस uh, आर्किटेक्चर uh, होता है और इसकी बात करें तो ये पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के प्रिंसिपल uh, पे काम कर रहा होता है तो ये काफ़ी कुछ उसके जैसा वर्क करता है ठीक है हाँ इसमें एक ज़रूर प्रॉब्लम होती है कि जब मल्टीपल uh, यूज़र्स होते हैं तो कई दफ़ा हमें uh, इसमें सिग्नल एरर्स मिल जाती हैं अदरवाइज इट इज़ ओके Now, if we uh, basically discuss about PSNR and uh, MOS mapping, uh, it is if it is uh, around thirty-two dB, then it is uh, very poor in the stage, and if it is above thirty-two and uh, it is uh, between thir uh, thirty-five, then it is acceptable. But uh, if it is above thirty-five. दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर सो हम इसमें कोशिश करते हैं कि हम थर्टी से तो कम से कम थर्टी थर्टी वन थर्टी टू के आसपास इसको रखें ठीक है ऑन द हायर साइड ऑफ थर्टी वन पॉइंट समथिंग दिस शुड बी योर हाँ सिग्नल टू नॉइज रेशियो नाउ हेयर यू सी देर इज़ वन यूज़र इट वॉन्ट्स टू हैव द वीडियो कॉन्फ्रेंस

Respective closest server, then the closest server responded and uh, the query is forwarded uh, to the destination. Destination, suppose, is not responding, then you can find here it is not responding at that time. He gets a response and uh, it calls him uh, the uh, calls uh, in the same manner to the back. वापस उसने दोबारा वही कॉल की मान लिया दिस टाइम देर इज़ सम पैकेट लॉस ओवर हेयर और हियर और हियर देन यू विल फाइंड दैट देर इज नो कनेक्शन सो यहाँ पे क्या है कि आप uh, जब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पैकेट लॉस बीच के भी किसी टर्मिनल के ऊपर होता है तो कम्युनिकेशन आपका नहीं होता है ठीक है ना। no. अगर हम आ, किसी भी तरीके के वी वी ओ आई पी सिस्टम के अंदर ट्रबल शूटिंग की बात करते हैं सपोज आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई दैट वेयर एक्चुअली द प्रॉब्लम हैज ऑकर्ड, देन आई कैन फाइंड आउट दट होल सिनेरियो बाई यूजिंग

सो so, आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ तक तो मैसेज पहुँच जाता है बट इसके आगे नहीं पहुँचा पाते हम ठीक है एंड इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई डैट वी आर लिमिटेड अप टू दिस प्लेस ऑनली ओके दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन विल डिस्कस अबाउट नेटवर्क हेल्थ हेल्थ स्टेटस We'll discuss about uh, delay jitter and losses in detail.